हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुतपा क्रिएशन। और मैं हूँ सुतपा। मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ छोटे बच्चे को कैसे सर्दियों से बचा के रखे। उनको सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा सर्दी खांसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है, तो इससे हम कैसे बचा सकते हैं। यही कुछ नुस्खे हमारे किचन में भी मौजूद होते हैं जो हम मम्मी ट्राई करते हैं कि बच्चों को कैसे बचा सके। तो वही मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि छोटे बच्चों को कैसे आप ठंड लगने से बचा सकते। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सुतपा क्रिएशन को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि मेरे लिए जायफल। जायफल एक गर्म मसाला है जो हमारे शरीर को गर्म रखने में मदद करता है और ये बेबीज़ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जायफल से आप बेबीज़ को ठंड लगने से बचा सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग कैसे करना है, इसका यूज़ कैसे करना है, वो हमें ठीक से पता नहीं होता है। तो आज मैं आप लोग के साथ वही शेयर कर रही हूँ। जायफल को मैंने अच्छे से धो लिया है ताकि उसका बाहरी जितना भी डस्ट होता है वो निकल जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया एक पत्थर और पत्थर में अब इसे मैं रफ़ करूँगी। रफ़ करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और पानी ऐड करके इसका एक सिरप बना लूँगी, जायफल सिरप। और इसको अच्छे से रफ़ करने के बाद हमें इसका पाउडर निकाल लेना है। और हम इस जायफल को 6 महीने के ऊपर के बच्चे को दे सकते हैं जो खाना खाना स्टार्ट कर दिया है, थोड़ा सा लिक्विड हो, पानी हो, कुछ भी हो, वो स्टार्ट कर दिया है, तो हम इसे 6 महीने के ऊपर के बच्चों को दे सकते हैं। और ये सिर्फ एक ही ड्रॉप देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। जायफल बहुत गर्म होता है। सिरप अब पूरी तरीके से रेडी हो गया है तो इसे हम चम्मच में निकाल लेंगे। जायफल सिरप को हमें कितना यूज़ करना है और कितना हमें बेबीज़ को देना है और किस तरीके से देना है, तो चलिए देख लेते हैं। वीर यहाँ पे मैं ले लूँगी एक ड्रॉप, एक बूंद जायफल सिरप और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच दूध और इसको मिक्स कर देना है। इस तरीके से आप बच्चे को दे सकते हैं। अगर बच्चा फीडिंग कर रहा है तो मदर मिल्क के साथ भी आप इसे दे सकते हैं। अब हम इसमें लेंगे हनी और हनी में हम मिलाएंगे 1 ड्रॉप जायफल सिरप और इसको मिक्स कर देना है। और आप इसे डेली सुबह दे सकते हैं। इससे बच्चे को सर्दी खांसी की समस्या जो होती है वो नहीं होगी। अब हम इसे पानी के साथ मिलाएंगे तो 1 चम्मच पानी ले लिया और 1 ड्रॉप मैंने जायफल ले लिया। अब इसको मिक्स कर देना है और बच्चे को दे देना है। इससे बच्चे को कभी भी सर्दी खांसी या फिर ठंड लगना ये सब कभी नहीं लगेगा। तो अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। बाय बाय।